मैं मारूंगा इसको, देख सुन, होशियार गेमर है मेरा नाम, होशियार गेमर याद रखियो। ओके सुन, होशियार गेमर है मेरा नाम, होशियार। रा भाई कैसी लगी, आगे स्वाद। तो वेलकम डीटी आर्मी, क्या हालचाल है आप सभी के कमेंट में जरूर बताना। वैसे बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज आप लोग दो गेम प्ले देखने वाले हो, और वो ऐसे गेम प्ले जिसको देखने के बाद आपकी रगों में ऐसा खून दौड़ेगा, आपका भी मन करेगा ऐसी पेटियाँ मैं भी बनाऊँ। क्योंकि शुरू वाला गेम है, ये इवेंट के अंदर खेलते हम, और यहाँ पे खेलते तो डुओ वी स्क्वाड की तरह, लेकिन मैं अकेला घुस के मारूंगा, और जो इंटेंस लेवल और जो क्या बोलते हैं एग्रेशन लेवल देखने को मिलेगा ना, सही बता रहा हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। और बात करें दूसरे गेम की, तो वो इरेंगल का होगा, उसके अंदर मैं खेलूंगा रैंडम के साथ में, और कुत्ते क्यों भौंक रहे बाहर, हाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ तो मतलब दूसरा वाला मैं खेलूंगा रैंडम के साथ में, उसमें भी फाइट्स काफ़ी खतरनाक इंटेंस है, क्योंकि वहाँ पे अपार्टमेंट में अलग ही भसड़ हो जाएगी, दो तीन टीम रश कर देगी, तो क्या सीन होते हैं, और रिएक्शन भी काफ़ी मज़ेदार है। I need a weapon. Awesome. 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 शुरुआत जिस तरह से हुई है, इससे आप लोग समझ चुके होंगे कि आगे क्या क्या होने वाला है। अरे दिलशाद क्या कर रहे हो यार, बार बार नोक तो मत हो, हेल्थ ही नहीं है। ऑसम, यहाँ की अगर हम बात करें तो नीचे कितने भी बंदे हो डर नहीं लगता, क्योंकि कवर होते हैं आप बच सकते हो, लेकिन कुछ बंदे जब ऊपर रिकॉल होके आते हैं ना, वो काफी ज्यादा दिक्कत देते हैं। बिल्कुल इसी दिक्कत की मैं बात कर रहा था, मतलब भाई हम लोग कवर में बैठे हैं, लेकिन ऊपर से एंगल मिला, बंदे ने पेटी बना दी। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये बंदा भी ऊपर ही लैंड करने वाला था, लेकिन यहाँ पे हवा में नोक करके इसके इरादे हमने फेल कर दिए। अब यहाँ पे जैसे ही आता हूँ, इन भाई ने नाक में दम कर रखा है, मतलब ऊपर से भाई उंगली करे जा रहे, अभी तो नोक कर दिया है लेकिन पता नहीं कितने ऊपर। तो मैं यहाँ पे अपना आराम से लूट वूट करने लग जाता हूँ, तभी देखता हूँ सामने कोई एकदम से गिरा है, मतलब ऊपर से कोई पुचुक करके गिरा, नोक हो गया है, तो मेरे को लगा ऊपर अब कोई नहीं होगा, तो मैं ऐसे ही घूमने लग जाता हूँ, और तभी बुरा लगा ना, मेरे को भी बहुत ज़्यादा लगा था, मेरे को नहीं पता था कि ऊपर अभी भी एक बंदा बैठा है, लेकिन बैठा था। अब मैं नीचे आता हूँ, अब मेरे को इतना पता था ऊपर बंदा बैठा है, तो इसकी तो पेटी बनानी है, क्योंकि बदला चाहिए यार मेरे को।
चलो भाई बदला तो पूरा हो गया, अब मैं आराम से अपनी पेटी लूटने लग जाता हूँ। तभी एकदम से इतनी जोर से गोलियां चलने लग जाती है ना। मेरा मन मानता ही नहीं है, मैंने कि फायर से दौड़ के जाते हैं। लगभग 2 से 3 टीम, पता नहीं कितनी तो टीम लड़ रही है। बहुत ही खतरनाक गोली चल रही थी। अगर इस वाले स्प्रे में 2 बंदे आ जाते हैं ना तो थोड़ा आसान हो जाता है इनको मारना, लेकिन अब एक ही बंदा नोक हुआ है जो कि रिवाइव भी हो जाएगा, तो मुश्किलें बढ़ चुकी है। पर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। भाई कितना सुकून देता है जब एक साथ ऐसे पेटियों में से धुआं निकलता है, एक बार नजर डालो क्या ही मजा आया। मतलब इस सीन के लिए 1 लाइक तो बनता है गाइस, फटाफट से लाइक कर दो। अब आपको अगर ऐसा क्लच करना है ना तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आप कुछ ऐसा करो जो कि सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं करे। यहीं का एग्जांपल ले लो, 2 बंदों को मैंने ऐसे टाइम पे मारा जब वो कवर में जाके रिलोड कर रहे थे। उनको लग रहा था मैं आगे आके मारूंगा ही नहीं, मैं भी भाग चुका हूं, तो मैं तो आऊंगा ही नहीं। लास्ट वाले बंदे को भी ऐसे ही मारा, वो भी कवर में जाके रिलोड कर रहा था लेकिन एकदम से जंप शॉट मारा और वो तैयार नहीं था। तो आप लोग भी ऐसा ही करो, आपके विनिंग चांसेस बढ़ सकते हैं। बस अब यहाँ पे हम लोग लूट वगैरह कर रहे थे, उसके बाद इमोट कर रहे थे, तभी यहाँ पे टीममेट को फटाफट से रिवाइव देता हूँ, उसके बाद पीछे फॉल बैक करता हूँ क्योंकि घर में नेट आ सकता है। अब यहाँ पे इन भाई साहब को नॉक कर देता हूँ, उसके बाद वेट करता हूँ थोड़ा सा कि बंदा आ जाए दूसरा वाला, लेकिन वो कहीं और से रोटेट मार रहा होगा तो नहीं दिखता, गायब सा हो जाता है, तो हम लोग भी निकल जाते हैं। ये सही है, पहले गोली चला लो, बुला लो बंदों को और फिर एकदम से गायब हो जाओ। अब ये बंदा मेरे को मतलब साउंड ही नहीं दे रहा। लो भैया इसी चीज को तो हम मिस कर रहे थे, एक और टीम आ चुकी है थर्ड पार्टी करने। क्लच करने के बाद इमोट ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं इमोट करने लग जाता हूँ तभी। रॉकशॉट देखा क्या भयंकर मारा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो एक बंदा आया सामने की तरफ और शायद से लेट चुका होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है पीली झाड़ी में होगा। स्ट्रेटजी तो अच्छी थी बंदे की लेकिन साउंड आ गई थी, और यहाँ पे इन भाई की पेटी बना देते हैं, हो जाता है विनर विनर चिकन डिनर। अब आते दूसरे गेम में जो कि होता है रैंडम के साथ में। अब ये वही रैंडम से जिनके साथ कल आपने गेम प्ले देखा था, मैंने आपसे पूछा था कि पार्ट 2 चाहिए क्या इसका, क्योंकि मैं उस गेम प्ले के बाद दूसरा गेम भी खेला था इनके साथ और ये भी काफी धासु बना है, और आप लोग ने हाँ बोला था कि पार्ट 2 चाहिए, तो बिल्कुल आपके सामने पेश कर दिया है पार्ट 2, जो कि सही बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा मजेदार है। रिएक्शन भी वैसे ही रहेंगे, मतलब और अच्छे रहेंगे और फाइट्स भी काफी खतरनाक होगी। हेलो भाई, हेलो डीटी गेमिंग अपना टीम का है भाई, यूट्यूबर है, देख लो ना, लाख सब्सक्राइबर है, देख लो जाके यूट्यूब में डीटी गेमिंग अपना टीम का है। हम लोग सब शेयर कर देंगे। ओ भाई वीडियो तो अस्त भाई, 1 लाख वाले चैनल में हाँ कब आया। ओह भाई गलत है भाई, मैं बंदूक वास नहीं देखूंगा भाई, जीटी गेमिंग देखूंगा मैं तो।
गोलियां चला रहे हैं रे, बंदूक से डरोगे आ रहा है, भाग रहे, भाग नहीं आया है, भाग नहीं रहा है। हाँ, सामने वाली कवर वाली है, मेरी वाली छत खुली है। अरे भाई हमको आना है भाई, हमको ले लो भाई प्लीज भाई, मम्मी पापा। अरे 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 ये वाला लंबोर्गिनी, लंबोर्गिनी यूरस भाई यार, अपार्टमेंट चलो आप वहाँ पे मिलेंगे। गेट वेट खुले हैं, ए बहुत है बंदे, बंदे बहुत है, बहुत है, बहुत सारे हैं। अरे यहाँ क्यों रोक दी भाई, यहाँ से दिक्कत होगी मारने में उनको यार, डायरेक्ट रश मारते हैं। वो बंदा उतना भी अच्छा नहीं खेलता भाई। मेंटल आईडियल उधर यहाँ पे अब यहाँ पे इस वाली टीम को तो मार देते हैं, 3 किल भी मिल जाती है तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। चलो किल निकल गए, इस चीज़ की खुशी मना ही रहा था, लूट कर ही रहा था, उतनी ही देर में एक और टीम आ जाती है। अरे 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 यहाँ पे नहीं है रेप दाओ, तू पागल हो गया, रेप तो दाओ ना, नूप ले रहे यार तुम, तू चल रहा मेरा दिमाग, तू रेप से बात कर रहा तुम ही। अरे नंबर वन भाई रिवाइव दे दो, मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो, आप हिल भी कर लो रिवाइव भी दे दो। की कूट छो भाई, लोग चले से रे, हां हमें लोग ऐसे तो तुम्हारा और कौन है, ऐसा डाउन, ऐसा डाउन, नाइस नाइस। अरे और हट यार शुभदा, बात कर रहा है एकदम, देख लिया मैं एकजन के, देख खोल लाम, देख ली एकदम जाएगा, एक ऊपर तक ना आती हमें बोलते यहां पे, यहां पे अबे तू टच कर भाई, टच कर, टच कर जल्दी जल्दी, टच कर दे भाई, हट यार चूत, खूब बातें खेल रहे तुम, माहौल बहुत गर्म हो गया यहां पे, क्लच की खुशी थी मेरे को, लेकिन भाई यहां पे कुछ और ही सीन हो गया। सॉरी देख रहे हो, मतलब बहुत गलत हो गया यार। अब देखो मैं रिवाइव दे सकता था, लेकिन सामने वाले बंदे भी रिवाइव हो जाते और क्या पता वो हमको मार देते, तो एक ही चांस था यहाँ, मैंने सोचा रश करता हूँ, पेटी बनाते सबकी, इजी टच करते बाटे, ऊपर ही तो नॉक हुई थी हम, पीछे चले जाते बुकर मतन दू, नंबर 3 देखे नहीं तो, अरे टच ही नहीं किया नंबर 1 ने, ऊपर नॉक को इजी टच करता, रिवाइव तक नीचे जाता मैं। अब यहाँ पे माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुका था, तो मैं नंबर 2 भाई को समझाता हूँ, यार होता है मेरे साथ भी बहुत बार होता है, 15-20 किल करके ऐसे पेटी बन जाती है, मैं समझ सकता हूँ भाई, बुरा मत मानो, ऐसे करके थोड़ा समझाया मैंने, उसके बाद भाई थोड़ा शांत हुए। और यहाँ पे सही बताऊं तो नंबर 1 भाई आराम से रिवाइव दे सकते थे, जब मैं होल्ड करके रखा हुआ था मैं देख लेता सबको, लेकिन अब क्या ही करे, छोड़ो हटाओ, अब वहां से हम लोग निकलते हैं। गाड़ी है अगर ये बंदे थोड़ी देर पहले फायर कर देते, पता चल जाता कि बंदे हैं पीछे वाले कंपाउंड में, वहीं पे रोक के रश करता, लेकिन अब कोई ना, डैमेज पड़ चुका है तो हील विल करके फिर से रश करता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही आता हूँ गाड़ी रोकता हूँ, अब सामने वाले बंदों को लगता है कि हम वेयर हाउस के अंदर से आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इधर से घूम के जाता हूँ, ये मैं वो कर रहा हूँ जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अरे यार
नाइस है। एक्सीलेंट ऑसम ऑसम। बाहर साला घास में छुपे हुए क्या खेल रहे हो यार। स्कूल में स्कूल में स्कूल में आपको लड़कियाँ पसंद है लड़के पसंद है लड़कियाँ नंबर वन को लड़के 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 पसंद है। फाड़ दूंगा बीच में से चला जाऊंगा पाप धोने गंगा। चुप हो जा भाई। मैं तो भाई सपनों में भी नहीं सोता था यार। तो यार सही में आ गया भाई यूट्यूबर व्यूट्यूबर आ गया है। प्रो बंदा भाई प्रो बंदा। कनाडा में रहता है इसमें इजी चिकन बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर। तो हो चुका है दूसरा चिकन डिनर। तो आज के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर वीडियो देख के आपको मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। और ऐसा ही कल गेम प्ले आने वाला है रैंडम का, जो कि काफी खतरनाक और मजेदार होगा। उसको देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पे कर लो। वीडियो तो वैसे 8 बजे आ जाएगी पर फिर भी कर लो, और नोटिफिकेशन नहीं आए तो वीडियो मतलब यूट्यूब खोल के 8 बजे देख लेना यार। तो चलो मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना गाइज। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।